आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। उम्मीदवार को अपना एप्लीकेशन के साथ साथ जो है वो जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और हिमाचली बोनाफाइड जो है वो साथ में जमा करवाना पड़ेगा। अधूरा प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और एड्रेस आपका ये है, उपायुक्त कार्यालय जिला किन्नौर स्थित त्रिकांगपियो, पिन 172107 जो है वो इन्होंने रखा है। इन पदों की भर्ती सरकार हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना संख्या नंबर आपको ये दिख रहा होगा कि मापदंडों के आधार पर की जाएगी, जो इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड में जो है उपलब्ध है। सभी उम्मीदवार काउंसलिंग के दिन सभी दस्तावेज की मूल प्रति मतलब फोटोकॉपी के साथ जो है वो अपने साथ रखें जब इंटरव्यू होगी। और ये किन्नौर पटवार सर्कल के लिए जो है वो अंशकालीन कामगार की जो है वो सीधी भर्ती होने जा रही है। पटवार वृत्त की सूची जो है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवार सर्कल में होने जा रही है भर्ती। और आपने जो अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसके आंसर की आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वीडियो भी देख सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आंसर की है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पटवार सर्कल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पार्ट टाइम वर्कर्स इन वेरियस पटवार सर्कल इन रिकांगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है ये रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें टोटल पोस्टिंग 11 है और एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी और एज लिमिट आपका 18 से 45 वर्ष के बीच में है। और आपको सैलरी जो है वो 3500 रहेगी और अप्लाई करने की डेट जो है वो 16 दिसंबर इन्होंने रखी है लास्ट डेट, इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट का मैं आपको ये आप रीड कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके। इसका इस पोस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करके जो है वो इस पोस्ट को रीड कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं किसी और वीडियो में जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।